अरे किसका फोन है? आदित्य चोपड़ा का। अरे रानी मुखर्जी वाले? नहीं, यशराज वाले। रुके रुके, पहले नारियल फोड़ देते फिर फोन उठाइएगा। बकवास बंद करो, नुन्नू भैया का फोन है। हेलो। अरे हम नुन्नू बोल रहे हैं यार, अरे इतना टाइम क्या लगा दियो फोन उठाने में? हाँ जरा मकड़ी का जाला झाड़ रहे थे। बॉलीवुड का सुपर स्टार राजू मकड़ी का जाला झाड़ रहा था? किसके घर का जाला झाड़ रहे हो जी? अरे किसके घर का क्या मतलब, अपने घर का झाड़ रहे हैं? अच्छा अच्छा, हम समझे कि अमिताभ बच्चन या अक्षय कुमार के घर का जाला झाड़ रहे हो। तो कहते जरा उनके बंगले का फोटो खींच के भेज देते। क्या है कि जरा सब लोग को फोटो दिखा के रोब जमाते हैं। और क्या कहते कि ये देखो हमारा जिगरी दोस्त अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार के घर का जाला झाड़ रहा है। ठीक है ठीक है, जब स्टार लोगों के बंगले का जाला झाड़ेंगे तो निकाल कर भेज देंगे। यार वो हमके साले के साड़ू का बेटा जो है ना, वो अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार का फैन है, समझ गए ना? हाँ हाँ बिल्कुल समझ गए भैया, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार के बंगले का जाला झाड़ना है और दोनों बंगले का फोटो निकाल कर भेजना है। बस बस बस, क्या है कि फोटो भेज दोगे ना तो बच्चा और बच्चे की माँ दोनों बहुत ही खुश हो जाएंगी। बच्चे की माँ? हाँ यार बहुत ही खूबसूरत है और हमरी फैन है। हाँ समझ गए समझ गए। क्या बात है मर्दे, तुम फिल्म वाले लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हो, टाइटल से फिल्म का पूरा कहानी समझ जाते हो। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ का हालचाल है आजकल? मेरा हालचाल? नहीं नहीं, तुम्हारा नहीं, फिल्म इंडस्ट्री का। पूरी फिल्म इंडस्ट्री जाला झाड़ने में लगी। अच्छा जरूर पैसा मिलता होगा, कोई नया ऐप आया है का जाला झाड़ने का? जाला झाड़ने का ऐप? आइडिया अच्छा है। अरे थोड़ा हमको भी बताया करो दोस्त। जाला झाड़ने का ऐप अभी तक तो नहीं आया है, जब आएगा तो जरूर बताएंगे। हाँ यार अब आर्थिक राजधानी में तुम रहते हो तो पैसा कमाने का नया नया आइडिया तुम ही दोगे ना? अरे मेरा भी कुछ फायदा करा दो यार। हाँ हाँ एक बार आइडिया का पता तो चल जाए। सबसे पहले आप ही को बताएंगे। अरे यार मोटा पैसा कमा के जमीन खरीदेंगे और जमीन पे मॉल बनाएंगे और मॉल में सिनेमा हॉल बनाएंगे। उसके बाद? उसके बाद, अरे उसके बाद अपने सिनेमा हॉल में महंगा दाम पे फिल्म दिखाएंगे और इंटरवल में 10 रुपए का समोसा 50 रुपए में बिकवाएंगे और 50 रुपए का पॉपकॉर्न 250 रुपये में बिकवाएंगे मर्दे। प्लानिंग तो अच्छी है लेकिन आजकल सिनेमा हॉल में फिल्म देखने पब्लिक आती कहाँ है? आएगी आएगी, अरे साउथ का फिल्म लगाएंगे तो पब्लिक अपना परिवार के साथ आएगी मर्दे। वाह बहुत खूब, लेकिन नुन्नू भैया फिलहाल तो फिल्म इंडस्ट्री का हाल बहुत बुरा है। हाँ हमको भी थोड़ा खबर है। बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुद से अपने बाल नोच नोच के गंजे होते जा रहे हैं। अरे राजू मेरे भाई, उनको बोलो आयुर्वेदिक तेल लगाएं, अब सारे के सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर गंजे हो जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा यार। बॉलीवुड वाले आयुर्वेदिक तेल नहीं लगाते हैं, प्रचार अपने लिए नहीं दूसरों के लिए किया जाता है। दूसरा कौन? जो प्रचार देखता है। प्रचार तो हम भी देखते हैं, तो हम दूसरा हो गए? बिल्कुल। तो तेरी की, अब ये मत पूछिएगा कि फिल्म वाले आयुर्वेदिक तेल नहीं लगाते हैं तो फिर कौन सा तेल लगाते हैं? ना 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 पूछेंगे, हम जानते हैं।
हम जानते हैं वो लोग विदेशी तेल लगा लगा के अपना हरा भरा खेती को बंजर कर रहे होंगे। नेटवर्क अच्छा पकड़ रहा है। पकड़ लेता है भाई, कभी कभी हमारा नेटवर्क भी पकड़ लेता है। अच्छा एक बात बताओ। अब कौन सी बात यार, ये बॉलीवुड की हीरोइनें इतना निर्दय क्यों होती हैं? निर्दय? हीरोइनें कातिल होती हैं ये तो हमने सुना है, लेकिन निर्दय? अरे हीरोइन अगर कातिल है तो अच्छी है, निर्दय नहीं होना चाहिए। अच्छा हीरोइन अगर कातिल है तो अच्छी है? हाँ, वेरी गुड। वैसे निर्दय के कैटेगरी में कौन कौन सी हीरोइनें हैं? वालिया, कटरीना, प्रियंका, सब की सब सुपर निर्दय। अरे बाप रे, तीनों के तीनों? और नहीं तो क्या। अरे देश के नौजवानों का इन्होंने बुरा हाल कर दिया है। कैसे? अधूर मर्दे, कैसे क्या पूछ रहे हो? तुम ही बताओ, इन लोगों को शादी करने का इतना जल्दी कहा था? ओह अच्छा अच्छा, कोई गाड़ी छूटा जा रहा था का? अब इसमें हम क्या बताएं? और आपको कैसे पता कि नौजवानों का बुरा हाल हो गया है आलिया, कैटरीना, प्रियंका के शादी करने से? अरे मुमताज और जीनत अमान के शादी कर लेने पर हमारा क्या हाल हुआ था वो हम ही को पता है न जी। ओहो, भुक्त भोगी हैं आप। फिर अपने बुरे हाल को ठीक कैसे किया? कोई उपचार वगैरह? अरे उपचार तो बाबूजी कर दिए। जैसे ही उनको पता चला कि हम मुमताज और जीनत अमान के वियोग में तड़प रहे हैं, 155-625 दे मारे सर। 155-625 क्या दे मारे सर पर? अरे लुगाई, पूरे 155 किलो और 625 ग्राम की रही शादी के समय, अभी का पता नहीं है। अरे तो पता करना चाहिए आपको। अरे पता करने का कोशिश किए थे यार, लेकिन तराजू गया टूट और मेरा सर गया फूट। अरे आप बहुत पहले बुझा रहे हैं, तराजू टूटने से सर का क्या लेना देना? लेना देना है? तराजू हमारी जोरू के कद काठी से टूटा और हमारा सर बाबूजी के लाठी से टूटा। वाह आप तो एकदम कवि हो गए, काठी और लाठी, वाह। खाली काठी और लाठी सुने, अब फूटा और टूटा बोले सो? हाँ हाँ बिल्कुल, कवि महाराज आपसे विनती कर रहे हैं, अब आप बुक छपवा ही लीजिए। जयशंकर प्रसाद को लोगों ने बहुत पढ़ लिया, अब नुन्नु प्रसाद को पढ़ेंगे। अरे चुप करो। अच्छा ये बताइए, बाबूजी इतना भारी सामान, सॉरी बहू क्यों ले आए? अरे नाना सॉरी काहे बोल रहे हो जी, एकदम ठीक बोले हो, सामाने है वो भारी भरकम। का है ना कि बाबूजी तो है बनिया बुद्धि के ना, तो सोचे कि बहू भी जो है भारी भरकम ही लाए, हल्की काहे लाए। लेकिन इतना भारी बोझा आप मान कैसे गए थे शादी के लिए महाराज? अरे बाबूजी के लॉजिक के सामने किसी का चलता है जी, हमको लालच दे दी, बोले कि अरे शादी कर लो, घर का काम कर करके हल्की हो जाएगी। तो हल्की हुई? अरे भैया राजू बोले ना, टूट गया था तराजू। वाह क्या बात है, राजू और तराजू क्या तुकबंदी है, अरे आपको तो भाभी का एहसान मानना चाहिए। कहे? अरे आपको कभी जो बना दिए। अधूर मर्दे, यहाँ हमारे अरमानों के चिथड़े उड़ गए हैं और तुमको सूझ रहा है कवि और रवि। अरे वाह कवि और रवि, अरे भैया आप तो बस बुक छपवा ही लीजिए। अरे चुप करो, हमरी थी अरमान मुमताज और जीनत अमान। अरे वाह भैया फिर से बकवास बंद करो, यहाँ तुम जैसी से ब्याह हो गया है और तुमको बा भैया सूझ रहा है।
सॉरी भैया, हम जानते हैं आपके जैसे पत्नी पीड़ित लोग स्क्रीन पर हीरोइनों को देख देख कर ही जिंदगी काट लेते हैं। अब क्यों हो सही बात? अरे इसी बात से तो हमको सरकार से नाराजगी है। अरे अब इसमें सरकार कहाँ से आ गई? कैसे नहीं, दुनिया भर का प्रतिबंध लगा सकते हैं, हीरोइन के शादी पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। अरे ये तो जुल्म हो जाएगा ना भैया। अरे तुम हमारी तरफ हो कि हीरोइन लोग की तरफ हो जी? भैया आप ही के तरफ हैं। चलिए बताइए, आप कितने सालों का प्रतिबंध चाहते हैं? पूरे 55 साल का। हाँ। पगला गए हैं क्या भैया? बिल्कुल नहीं, हमको तो लगता है निर्दयी हीरोइने नहीं है, हीरोइनों के प्रति आप निर्दयी हो रहे हैं। अच्छा, किस्मत से तुमको अच्छा पत्नी मिल गई है इसीलिए इतरा रहे हो। अरे भैया हमारा वो मतलब नहीं था। अरे मतलब उतलब छोड़ो, हम बताते हैं, हीरोइनों का पोस्टर अपने बेडरूम में चिपका के रखने वाले नौजवान, मन मुताबिक पत्नी नहीं पाने वाले हम जैसे इंसान, विधुर, डिवोर्सी और फैमिली से दूर रहने वाले श्रीमान, हीरोइनों का फोटो देख देख के ही दिन गुजारते हैं। अरे वाह भैया, आप तो बातों बातों में काफी लंबी कविता कह गए। लेकिन भैया लोग नाती पोते वाले बनते रहे और हीरोइनें मन बहलाने के लिए 55 साल तक कुंवारी रहे, ये कहाँ का न्याय है? सुनो, फूल को मुरझाने तक बाग में ही रहना चाहिए ताकि उसकी महक, उसकी सुंदरता को एक नहीं उसके करोड़ों चाहने वाले महसूस कर सके। ये कहाँ का न्याय हुआ कि समय से पहले फूल को तोड़कर फूलदानी में सजा दिया? बताओ। वाह भैया, आप तो डायलॉग भी बोलते हैं। अरे तुम हमरा खिंचाई कर रहे हो काजी? मैं आके लपड़ियाएंगे तुमको, इतना थूरेंगे ना। भैया अब खिंचाई करने से भी थोड़ी आप में कोई फर्क पड़ने वाला है। चलिए छोड़िए, आप ये बताइए, हीरो के बारे में आपका क्या ख्याल है? हीरो को कब शादी करनी चाहिए? हीरो को तो बाल विवाह कर लेना चाहिए। क्यों? हीरो को बाल विवाह क्यों कर लेना चाहिए? अरे विवाहित रहेंगे तो हीरोइनी सेफ रहेगी ना। लेकिन हीरोइन को खतरा तो विलन से ना रहता है। अरे दुर्मर्दे, विलन लोग को कभी हीरोइनी मिलते देखे हो है? तो फिर विलन को कब शादी करनी चाहिए? अब छोड़ो, उनका काम ठेका लिए हुए हैं। अच्छा तो कॉमेडियन का बताइए। वो कौन होता है जी? अरे हास्य अभिनेता भैया। नहीं, उसको शादी नहीं करना चाहिए, बेचारे का शादी हो गया तो न हंस पाएगा न हंसा पाएगा। चरित्र अभिनेता? पूरा फिल्म इंडस्ट्री का कुंडली तुम हम ही से बनवाओगे जी? ना भैया बताइए तो। अरे भैया पूछ रहे हैं। अरे भैया हट ना भैया, कट। हट 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 हट। अरे भैया हम बोल रहे हैं, फोन रख दीजिए, कर दीजिए कट।